नमस्कार एक्सपर्ट व्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है डॉक्टर्स डे, जिसे लेजेंडरी फिजिशियन और वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बीसी रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स धरती पर भगवान का रूप होते हैं, जो हमें हमारे फिजिकल और मेंटल पेन से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए आज एक्सपर्ट व्यू के माध्यम से हम सभी डॉक्टर्स को और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। आज एक्सपर्ट व्यू में हम बात करेंगे कि किस तरह से सम्मोहन यानी हिप्नोथेरेपी से मनोरोग या जितने भी तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका समाधान संभव है। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर ऋतु नंदा। डॉक्टर नंदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में। और सबसे पहले बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच संयुक्ता। ओके, आपसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, इससे पहले दर्शकों आपको बता दें ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है। अगर हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन से किस तरह से मनोरोगों का उपचार संभव है, इस पर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नंदा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मनोरोग जो है एक तरह से सभी को होता है किसी ना किसी रूप में, लेकिन कई बार लोग उसे समझ नहीं पाते हैं कि इनको किसी तरह का मनोरोग है, और समझ भी जाते हैं तो मानना नहीं चाहते हैं कि उन्हें मनोरोग है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर मनोरोग है मतलब वो पागल है। तो मनोरोग को आप कैसे डिफाइन करती हैं, क्या है मनोरोग और किस किस तरह से मनोरोग हो सकते हैं? मनोरोग मीन्स मन से हम मानेंगे कि माइंड, और रोग मतलब डिजीज़। सो माइंड से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं उन्हें हम मनोरोग के रूप में कह सकते हैं। जैसे कि ये रोग जो होते हैं स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके कारण होते हैं। लेकिन हम इन्हें हर किसी को कभी का ना कभी ज़िंदगी में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, कोई डर लगता है, लेकिन हम उसे रोग नहीं कहेंगे जब तक कि वो ऐसा ना होए, इस कदर ना बढ़ जाए कि वो उसकी पर्सनल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करे। तो जब वो एक बाधा के रूप में आ जाए और उससे तब वो मनोरोग के रूप में हम उसको देखेंगे। जी, तो जैसे मनोरोग कई बार ऐसा होता है कि स्टील के चम्मच से अगर कोई स्टील के बर्तन को बहुत ज़्यादा घिसता है तो उससे एक इरिटेशन होता है, कई बार कुछ लोगों से इरिटेशन हो जाता है, जैसे हम बिहेवियरल पैटर्न की जो तब्दीलियां हैं वो कहते हैं, कई बार किसी भी चीज पे जो है बहुत उत्तेजना होती है, ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार-बार हाथ धोना, सब में किस जी इन सब में किस तरह से जो हिप्नोथेरेपी है वो कारगर है, और हिप्नोथेरेपी है क्या? जी, रोग वैसे दो तरह के होते हैं मनोरोग, एक होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स और साइकोटिक। तो जो न्यूरोटिक है वो क्लोजर टू नॉर्मेलिटी मानेंगे, ठीक है, तो लेस सिवियर होते हैं, और जो साइकोसिस होता है वो सिवियर मेंटल इलनेस होता है। जो हिप्नोथेरेपी है ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के लिए ज़्यादा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। असल में हिप्नोसिस के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, ये कोई इसमें कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक ध्यान की अवस्था है जिसमें कि हिप्नोथेरेपिस्ट एक सब्जेक्ट को लेकर जाता है और उसका माइंड बिल्कुल ओपन हो जाता है सूचनाओं के लिए, पॉजिटिव सजेशंस के लिए। और इस अवस्था में जब हम सजेशंस उसको देते हैं तो उसमें बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, और इस प्रकार से वो अपने रोग के ऊपर मतलब ही कैन विन द डिसऑर्डर। जी, तो इस तरह कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रीवा से हबीबुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर नंदा से? हम डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि अंधेरे में अंधेरा अगर अचानक हो जाए डर लगे, या कि भीड़ से डर लगता हो, तो क्या ये मनोरोग है? अगर है तो उसकी चिकित्सा क्या? अगर ये इसको मनोरोग हम तभी कहेंगे जब इतना ज़्यादा ये इसके वो आपके अंदर में ये है कि आप बिल्कुल अंधेरे में जाना ही ना पसंद करें, या भीड़ में जाने पर आपका दिल मिचलाने लगे, आपको पसीना आने लगे, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, तब हम इसे मनोरोग कहेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको होता है तो इसको हम रोग नहीं कहेंगे। जी, वो तो एक तरह का फोबिया होता है, कई बार अंधेरे से होता है। फोबिया एक रोग है, फियर और फोबिया में फर्क है। जी, है ना, फियर लेस सीवियर है, फोबिया एक रोग, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इरेशनल फियर फोबिया हो जाता है। डॉक्टर नंदा, जब कोई एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट की आप शुरुआत करते हैं कैसे करते हैं? आई एम श्योर की शुरुआत से ही आप उससे हिप्नोथेरेपी तो नहीं अपनाते होंगे, कुछ काउंसलिंग होती होगी, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जी, असल में जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक जो मेरा काम है, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो हम पूरा केस हिस्ट्री लेते हैं जैसे कोई आता है पेशेंट हमारे पास, और सबसे पहले तो हम उसे पेशेंट मानते ही नहीं। जी, हम समझते हैं कि एक स्वस्थ इंसान है और पूरी अपनी उसको अचीव कर सकता है, जो भी उसके अंदर एक इनर पोटेंशियल है, क्योंकि हम मानते हैं कि मानव मस्तिष्क असीमित शक्तियों का एक पावर हाउस है और हम जो चाहें वो अपने माइंड से अचीव कर सकते हैं। तो जब एक आता है एक इंसान जिसको कोई उपचार चाहिए, तो हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं और फिर रूट पे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से
स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कोई भी नोबडी इज बोर्न विद एनी मेंटल इलनेस, डेफिनेटली, है ना। तो ये कहाँ से आई, किस कब उत्पन्न हुई, कैसे इसने इसके लाइफ को अफेक्ट किया और अब ये रोग क्यों बन गई जी। फिर उसकी काउंसलिंग होती है, उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। इसका मतलब है कि विचारों को बदलना, क्योंकि हर चीज हम लोग मानते हैं कि विचारों में है जी, विचारों का हमारे जिंदगी से गहरा संबंध है, हमारे बिहेवियर से, हमारे स्वास्थ्य से हमारे हेल्थ से गहरा संबंध है। तो विचारों को चेंज करते हैं, नेगेटिव विचार तो वो बहुत ज्यादा एक पार्ट प्ले करते हैं किसी भी रोग में जी। वो चेंज करने के बाद फिर जी जी बहुत जरूरी है एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेके लाइफ में, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव, नकारात्मकता जो है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए। और कोपिंग हम स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि कई लोग जो रोग से ग्रस्त हो जाते हैं उनकी कोपिंग लो होती है, तो कोपिंग को इम्प्रूव करते हैं। और हिप्नोथेरेपी से हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ये एक ड्रगलेस थेरेपी है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि मेंटल इलनेस में अगर किसी तरह की दवाइयाँ आप लेते हैं तो वो दवाइयाँ, चूंकि ड्रग्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार वेट बढ़ जाता है। तो आप कह रही हैं कि हिप्नोथेरेपी में इस तरह की, क्योंकि ड्रगलेस इस्तेमाल ही किया, ड्रगलेस है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिप्नोसिस के अंडर ऐसा नहीं है कि हम किसी की सीक्रेट उससे निकलवा सकते हैं या किसी को टोटली कंट्रोल में कर सकते हैं या इसमें कोई मैजिक है या अगर कोई माना जाता है कि हिप्नोटिज्म करके जो है वो जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत धारणा है। और हम हिप्नोसिस की अवस्था में जाएंगे तो हम वापस नहीं आ पाएंगे अपने कॉन्शियस अवस्था में, ये सब इसकी मिथ्स हैं, गलत धारणा है। और हिप्नोटिस्ट के पास कोई सीक्रेट पावर्स हैं ना, कोई इस तरह से है, तो ये बिल्कुल, और कोई वीक माइंडेड पर्सन ही हिप्नोटाइज हो सकता है जी, ये भी एक गलत, हाँ ये भी मैंने सुना है कि अगर आपको कोई हिप्नोटाइज कर रहा है और आप अपने मन में कुछ सोचते रहे, गाना गाने ते रहे, तो आप हिप्नोटाइज नहीं होंगे। एक्चुअली ये एक तरह से सही है कि ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो तो एक समझिए कि कैटलिस्ट या फैसिलिटेटर का काम करता है, और जो सब्जेक्ट है वो खुद हिप्नोसिस में जाता है, तो वो सरेंडर करना उसका जरूरी है। जब वो सरेंडर करता है तब हिप्नोसिस संभव, तभी वो पूरी जो प्रोसेस है वो हो सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से राहुल जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि भीड़ में जाने से मैडम मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, बहुत ज्यादा टेंस हो जाता हूँ, और अकेले में मैडम बहुत ज्यादा टेंस रहता हूँ, तो आप इसका थोड़ा सा उपचार बताएंगे मुझे? इस डिसऑर्डर को कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, है ना, और इसको आप भीड़ में जैसे बहुत ज्यादा आपको ऐसे घबराहट होती, तो इसका कोई रूट होगा। जरूरी है कि कुछ भी आपके हिस्ट्री में या बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा हादसा जिसके कारण आपने ये डिसऑर्डर आपके अंदर में आया, तो इसके लिए आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी चाहिए। और अगर आप ड्रग थेरेपी में जाना चाहेंगे तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी उपलब्ध हैं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके वो ले सकते हैं, या सिंपली रिलैक्सेशन टेक्निक सीख सकते हैं, ताकि जब आप ऐसे समय भीड़ में हो तो आप उस रिलैक्सेशन को अप्लाई करके अपने आप को टोटली तनाव से मुक्त कर सकते हैं जी। राहुल की जो समस्या थी उस पर आपने कहा कि जो रूट है उस पर जाना पड़ता है, कोई बार बचपन की कोई चीज होती है या कोई ऐसी यादें होती है। मैंने ये भी सुना है, इनफैक्ट काफी लोगों ने ये सुना होगा कि हिप्नोटिज्म के द्वारा जो हमारे पुनर्जन्म का जीवन था उसमें जाया जा सकता है, तो क्या उस रूट पे भी हम जा सकते हैं, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी यूज करती हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं इस जन्म की जिनका हमें इस जन्म में आंसर नहीं मिलता, जैसे कि पानी का डर या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डर या जैसे कि सांप का डर, तो जिसकी कोई हमें रीज़न नहीं मिलती कि हम क्यों डरते हैं, तो इसका आंसर हमें पिछले जन्म में मिल सकता है। तो उस जन्म में जाकर जब हम उसको रिलीव कर लेते हैं उस ट्रॉमा को, तो हमारी ये जो इस जन्म की डिजीज़ है वो ठीक हो सकती है जी। इससे पहले जब भी हम बात कर रहे थे तो हम मनोरोग की बात कर रहे थे, रोगों की बात कर रहे थे, उसके अलावा अगर एक नॉर्मल इंसान है उसको अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना हो या कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप करना हो, तो उसके लिए क्या ये थेरेपी कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं कि आपको एक पेशेंट होना है तभी आप हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हिप्नोसिस के द्वारा आप आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, विल पावर, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर, ये सब कुछ अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर
सकते हैं, अपनी नई एबिलिटीज़ अपने आप में ला सकते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकर बना सकते हैं और जो कुछ भी चाहें वो अपने अचेतन मन से पा सकते हैं। उसमें इतनी शक्ति है कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहें उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपका पूरा नज़रिया दुनिया को देखने का और अपने आप को देखने का बदल जाता है। अपनी मदद तो कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत पावरफुल टूल है जो बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं, जो कयामत कायनात है वो उसे आपसे मिलवा ही देती है। जी, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ जी सबकॉन्शियस माइंड, जो अचेतन मन है, ये एक स्टोर हाउस ऑफ रिचेस एंड यू कैन ड्रॉ व्हाट एवर यू वॉन्ट। तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं सब कुछ, बहुत चीज़ों में अपने आप में इतनी इम्प्रूवमेंट, मतलब बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और इसमें हम माइंड को प्रोग्राम करते हैं, है ना, और अपने आप में चेंजेस लाते हैं थॉट्स में, क्योंकि माइंड बॉडी और बिहेवियर का एक गहरा संबंध है। तो हमें अगर बिहेवियर में चेंज लाना है तो हमको माइंड लेवल पे चेंज लाना पड़ेगा, और माइंड को चेंज करने के लिए हिप्नोथेरेपी एक बहुत अच्छा साधन है। जी बिल्कुल, नीलू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं कोरबा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में। क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर नंदा से? जी हमारी ना भांजी है, वो स्कूल नहीं जाना चाह रही है इस साल से। जी। कौन सी क्लास में है वो? वो इस साल सिक्स्थ में गई है। नीरू जी, नीलू जी एक्चुअली इसके लिए भांजी से आपकी जो है वो उनसे मिलना पड़ेगा और थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो क्यों ऐसा उनके मन में ऐसा आ गया कि अब स्कूल नहीं जाना। क्या स्कूल में कुछ ऐसा हादसा हुआ है किसी टीचर के साथ या किसी और उसके स्टूडेंट के साथ कि उसको कुछ नेगेटिव हुआ है स्कूल में, या उसके मन में क्या बात है, या पढ़ाई के प्रति उसके अंदर डर पैदा हो गया है? तो ये सारी केस हिस्ट्री लेकर तभी हम इसका उपचार बता सकते हैं। डॉक्टर नंदा, ये भी होता है कि कई बार हमें भी लगता है कि हमारे बिहेवियर में जो है किसी तरह का बदलाव आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या चीज़ से हमको फोबिया डेवलप हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हम जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, साइकेट्रिस्ट तो दूर की बात है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, कोई थेरेपी नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है वो हमें, मतलब मैं पागल घोषित कर दिया जाऊँ। तो ये एक मानसिकता आपको लगता है समाज में? ये एक मानसिकता है लेकिन अब कम हो रही है। इसको बोलते कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है ऑन विजिटिंग अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, लेकिन अब ये अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि आप देखेंगे कि स्कूल्स में भी अब काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर्स का रोल बहुत अधिक है। इसीलिए क्योंकि अब इस बात की अवेयरनेस बढ़ रही है कि इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहें। अंदर घुटने से बेहतर है कि आप किसी एक्सपीरियंस काउंसलर से बात करें, वो बातों ही बातों में, इवन मैरिटल प्रॉब्लम्स के लिए, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए। तो आपका मानना है कि जो धारणा थी वो अब धीरे धीरे जो है खत्म हो रही है। तो राज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं विदिशा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में। क्या सवाल है आपका डॉक्टर नंदा से? मैं जानना चाहूँ की एक्चुअल में क्या होता है की मेरे को ना मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, मैं पहचानने की भी कभी कभी, जैसे की 8 दिन किसी से मिला हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि आपने पहले कभी मिला हूँ ऐसा लगता है मुझे, और दूसरा काम करने में कोई मन नहीं लगता, मैं फार्मा लाइन में। राज, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 21 है। जी, बहुत यंग है ये, 21 years old है, और ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब कोई मनोरोग है, अल्जाइमर होने के ऐसा नहीं कह सकते। अल्जाइमर जब सेट इन होता है वो 60 साल की उम्र के बाद होता है। अच्छा। तो इसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि अल्जाइमर है। ये मैं तो यही कहूंगी राज जी की ये एक बिल्कुल टेम्पररी सिचुएशन है, और आप सही समय पे इसके लिए आप उपचार ले लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी। और मेमोरी के लिए आप थोड़ा सा ये जानना, मतलब आपके लिए जानना जरूरी कि मेमोरी किस तरह से काम करती है, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक गुड मेमोरी और पुअर मेमोरी, इट इज ऑलवेज ट्रेंड मेमोरी या अनट्रेंड मेमोरी। एक छोटा सा टिप, हालांकि समय कम है लेकिन आपको देना चाहूंगी मेमोरी के लिए, कि आप ऐसा विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि आपके पास एक वाइट पेपर है जिसकी कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं है, या आपका अपना इमेजिनरी वाइट पेपर है, कुछ भी चीज जो भी आपको याद रखनी है या कोई भी काम, आप उस वाइट पेपर पे आधे मिनट का टाइम लेकर उस पर लिख लें मन ही मन, और जब भी आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़े आप उस वाइट पेपर को देख लें तो आपको अपनी लिखी हुई बात उसमें मिल जाएगी। जिस तरह से किसी को फोन करना है या किसी को कॉल करना है, या इवन ये बातें लोग भूल जाते कि मैंने पंखा बंद किया कि नहीं, गैस स्विच ऑफ की कि नहीं, तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों के लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जी, बहुत ही अच्छी टिप आपने दी, और हिप्नोसिस से भी हम इसको अपनी मेमोरी पावर को बहुत बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर जो राज हैं या ऐसे दर्शक हैं जिनको इस तरह की तकलीफ होती है उन्हें इस टिप से बहुत फायदा होगा। राजू हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका डॉक्टर नंदा से? जी
जी मैडम, ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता रहता है कि कोई उसके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है या उसके प्रति कोई अनहोनी होने वाली है या कोई हमेशा ऐसा कोई डर बना रहता है, तो इसकी कोई हिप्नोसिस में कोई है इस तरीके का कोई उपचार क्या? जी हाँ, आप एक पैरानॉइड बिहेवियर की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमें ऐसा लगता है, बहुत शक होता है लोगों पे, ऐसा लगता है कि सब हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये पॉसिबल है हिप्नोसिस से इसको दूर करना। जी जी, कई लोग पैरानॉइड होते हैं, अपनी बीवी पे शक करते हैं या बीवी पति पे शक करती है, आई एम श्योर ऐसे मैरिड कपल्स भी आपके पास आते होंगे। जी आते हैं जरूर। जी, किस तरह की समस्या लेकर वो आते हैं और आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? बहुत तरह की समस्या, बेसिकली जो मैल एडजस्टमेंट बोलेंगे शादी में जी, क्योंकि एक मैरिड जो कपल होता है उसमें 5 तरह की रिलेशनशिप्स रहती हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो जब कोई मैरिड कपल हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपी के लिए, तो हम पहले ये देखते हैं कि किस एरिया में प्रॉब्लम है, फिर उस एरिया के प्रति जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा केस हिस्ट्री में लेके फिर उसका उपचार बताते हैं, और फिर दोनों की पहले एक की अकेले काउंसलिंग, फिर पहले वाइफ की या हस्बैंड की काउंसलिंग, एंड फिर एक जॉइंट सेशन करते हैं जिसमें उन लोग के आपस में डिफरेंसेस वो रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, तो अगर कोई मैरिड कपल ऐसे हैं और उनको लगता है किसी तरह की तकलीफ है तो उनको भी जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत कारगर सिद्ध होगा उनके लिए। जी अनुज हमारे साथ जुड़े हैं विदिशा से, बहुत बहुत स्वागत है अनुज आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहता हूँ कि मेरे बड़े पापा जो हैं जी, वो 2-3 साल से मीन्स उनका बच्चों जैसा बिहेवियर हो गया है और बार बार चीज को रिपीट कर रहे हैं। जी, जी क्या उम्र है आपके बड़े पापा की? 50 ईयर्स है। जी ये तो विस्तार पूर्वक देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है OCD भी हो, क्योंकि OCD में क्या होता है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कि कुछ भी रिपीट करने की इच्छा होती है और अगर इंसान उसे ना करे तो उसे एंग्जाइटी होती है, उसे तनाव होता है, जब वो कर लेता है तो फिर तनाव कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर में वो विचार आता है कि मुझे ये काम करना है, तो हो सकता है उन्हें ये प्रॉब्लम हो, तो उनका आप किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखा के या मनोरोग चिकित्सक को दिखा के उनका उपचार कराइए जरूर। जी नहीं तो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, इसलिए उपचार करवा लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब घबराई हुई सी होती है, खासकर जो डिलीवरी का टाइम होता है उस वक्त, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि हिप्नोथेरेपी का जो इस्तेमाल है उन पर भी किया जाता है ताकि वो स्मूथ डिलीवरी दे सके, तो क्या ये बात सही है? किस तरह से? बिल्कुल सही है, ये एक पूरी फील्ड है और जी इसके इसमें प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है हिप्नोथेरेपी का, और हम इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं और इस प्रकार से उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि उन्हें ये समझ में आना लग जाता है कि ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है जी, और उनको प्रेशर फील होता है, पेन नहीं। तो जब इस प्रकार की उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाती है तो उन्हें पेन की अनुभूति ही नहीं होती, और उनको ये समझ में आ जाता है कि मेरी बॉडी डिजाइंड है, भगवान ने इसे डिजाइन किया हुआ है टू गिव बर्थ नॉर्मली, तो इस प्रकार की उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है और इसको बोला जाता है हिप्नोबर्थिंग। Okay. इसका एक नाम है हिप्नोबर्थिंग। हाँ. तो इसका बहुत हिप्नोसिस का बहुत बड़ा रोल है एक इसमें प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम, क्योंकि क्या होता है अधिकतर प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत डराया जाता है कि हाँ. आपको बहुत पेन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उनका माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता है फॉर डिलीवरी, तो हिप्नोसिस इसको चेंज करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हम उसमें कर सकते हैं और ताकि उनका जो एक डिलीवरी होती है बहुत ही एक सुखद समय उनके लिए रहता है, एक बहुत ही यादगार समय बन जाता है और एक सारा प्रोसेस नॉर्मल तरीके से होता है और उनको प्रेशर फील होता है पेन में। तो ये भी हमारे लिए एक नई जानकारी ही है कि हिप्नोबर्थिंग जैसा भी एक टर्म है जो कि बहुत कारगर है। हमारे साथ साहिल जुड़े हैं विदिशा से, बहुत बहुत स्वागत है साहिल आपका, क्या सवाल है आपका डॉक्टर नंदा से? गुड इवनिंग। मैं 4 साल से रिलेशनशिप में था, फिर अभी कुछ 1 साल से मेरा ब्रेकअप हो गया है, और उस वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और कोई काम में मेरा मन नहीं लगता है। जी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि लिव एंड लेट लिव आपने सुना होगा, पर लिव एंड लेट गो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ रिलेशनशिप ओवर हो गया है तो हमें उसको लेट गो करना है, है ना, तो हमें अपने बीते हुए कल से अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि बहुत हद तक पास्ट हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करता है और तब हम अपना प्रेजेंट भी अच्छे से जी नहीं पाते, और जो सच्चाई है वो सिर्फ प्रेजेंट है, पास्ट तो जा चुका है ना, इट इज़ लाइक हिस्ट्री,
ना, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. तो आपको ये सीखना है कि मैं पास्ट को कैसे लेट गो करूँ, अपने बीते हुए कल से अपने आप को कैसे मुक्त करूँ. और हिप्नोथेरेपी में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जी. तो इसलिए जो बीत गई सो बात गई, उसे भूल जाना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. जैसा कि कहा, लिव एंड लेट गो. बंसीलाल हमारे साथ जुड़े हैं रीवा से. बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में. क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर नंदा से? हेलो जी. मैम मेरे सिर में ये फुंसी टाइप हो गया है कुछ जी, जो होते ना बबूले टाइप जी, ऐसा हो गया. इसके लिए आप ज़रूरी है कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें, वो आपको सही उपचार बताएंगे. लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो स्किन डिजीज़ हैं वो स्ट्रेस से भी रिलेटेड रहती हैं. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्किन के थ्रू ब्लीड करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस और टेंशन है वो फिजिकल सिम्टम्स में ट्रांसलेट हो सकता है. तो हो सकता है जो आपकी फुंसी है और ये तनाव के कारण भी हो सकता है इसका एक रीज़न. लेकिन ज़रूरी ये है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से भी सलाह लें और अपने आप को तनाव मुक्त रखें. जी, ये कहना तो बहुत आसान होता है कि तनाव मुक्त रखिए, लेकिन आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरह का स्ट्रेस बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं. तो आई एम श्योर आपके पास भी कई ऐसे लोग आते होंगे. किस तरह की तकलीफें होती हैं उनको? तनाव के कारण उनका सब कुछ अफेक्ट हो जाता है. एक तो एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता. पूरी दुनिया ऐसे लगती है कि बस जीने लायक ही नहीं है एक्सट्रीम केसेस में. और हर समय वो प्रेशर पे रहते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें. आप सिर्फ ये ही अपने आप को बोलें रोज़ कि रोज़ डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर मेंटली फिजिकली इमोशनली स्पिरिचुअली फाइनेंशियली आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. और मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई शोक नहीं. सिर्फ इतनी ही प्रोग्रामिंग अपनी करें तो बहुत फायदा होगा जी. इसीलिए बार बार डॉक्टर नंदा कह रही हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है. कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं विजय. बहुत बहुत स्वागत है विजय आपका हमारे इस कार्यक्रम में. क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर नंदा से? याद नहीं रहता है जी. किसी का नाम हो चाहे शहर का नाम हो, ये एकदम याद नहीं रहता है. और बाकी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. और एज क्या है आपकी? एज मेरे 42 है. 42 इयर्स के हैं विजय. कह रहे हैं कि इनको याद नहीं रहता है छोटी छोटी चीजें जी. ये भी मेमोरी रिलेटेड ही प्रॉब्लम है. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वाइट पेपर टेक्निक का आप यूज़ करें और थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करें. मेमोरी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेस्ट. तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें जिस चीज़ में भी आपको याद करना है, या एसोसिएट कर लें. जैसे कोई नाम है, जैसे किसी का नाम राम है, तो आपको आप उसको अपने जो रामायण से एसोसिएट कर लें. तो जब आपको वो नाम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहले मन में जहन में रामायण आएगा और फिर वो राम वर्ड याद आ जाएगा. तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग. इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट पाएंगे. और रोज़ बोलिए कि मेरी मेमोरी दिन पर दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, ये बोलने के बदले कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है. जब आप ये बोलते हैं तो आप अपने अचेतन मन में फीट कर रहे हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है. तो वो मेमोरी और ज़्यादा उसमें डिटेरिएट हो जाएगी. तो बेटर है कि आप बोलें, चाहे सच हो चाहे झूठ, लेकिन आप बोलें कि मेरी मेमोरी दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है और अच्छी होती जा रही है. और उसके लिए एफर्ट भी करें जी. तो इससे जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और ये चीजें याद भी रहनी शुरू हो जाएगी. क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम अपने नेगेटिव साइड पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं जी, है ना. उसको रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. तो जब हम पॉजिटिव उसमें डालेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है, तो हमने उसको जो भी दिया वो उस पर अमल करेगा. अगर हमने उसको पॉजिटिविटी दी तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिव. बिल्कुल. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से. विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट व्यू में. क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर नंदा से? मैडम ये रिक्वेस्ट था कि इसमें कभी जब लिफ्ट में जर्नी करते हैं जी, जी लिफ्ट में जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं जी, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिल्कुल. हाँ, अगर अकेले हुए तो जी, जी, या जी, कहीं आपको ये डाउट हो गया कि मान लीजिए बंद ना हो जाए कहीं रस्ते में, राइट, तो दिल घबराने लगेगा और ये लगेगा कि बस प्राण निकल जाएंगे आपके. ये एक जी, ये एक फोबिया है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा गया है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. तो ये भी एक इरेशनल फियर होता है, बेबुनियादी डर. तो इसका भी कोई कॉज होगा, कोई रूट होगा. कभी ना कभी आपके साथ कुछ इस तरह का हादसा हुआ होगा, शायद बचपन में या कहीं पर भी. तो ये भी केस हिस्ट्री से पता चलेगा. और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जितने भी फोबियाज हैं ये एंग्जाइटी से रिलेटेड रहते हैं.
तो इसके लिए आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कोपिंग टेक्निक्स ये सब यूज़ करनी पड़ेंगी और आपको इसमें इससे छुटकारा मिल सकता है बहुत आसानी से अगर आप उपचार लें तो। बिल्कुल। ऐसे भी डॉक्टर नंदा ये भी देखने में आ रहा है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन अकेलापन भी बहुत बढ़ रहा है, लोग अकेले रहने लगे हैं, जो रिश्ते होते हैं उन पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रह गया। अखबारों में आए दिन जो है ऐसी खबरें भी आती होंगी, आप बहुत डिस्टर्ब होती होंगी और आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर ये मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए होते तो बहुत से रिश्ते जी बच सकते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, टॉलरेंस लेवल एकदम कम होता जा रहा है, पेशेंस कम हो रहा है, हर कोई मतलब एक सेल्फिश सा एटीट्यूड की अपना फ़ायदा चाहता है और इस तरह से रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं, एक न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो रही हैं और एक कॉम्पिटिशन की जो भावना है एक होड़ तो उसके कारण भी रिश्ते डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर काउंसलिंग ले लें, पहले क्या था सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बड़ों से भी लोग सलाह लेते थे, आजकल कोई किसी की मतलब सुनना ही नहीं मांगता जी। तो अगर एक्सपर्ट की सलाह लें तो बहुत सी बातें मतलब हम उनसे छुटकारा पा तो सकते हैं जिस हद तक वो पहुंच जाती हाँ, है में वो ना क्योंकि बेसिकली बहुत सी बातों के लिए मैग्निफिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा लेते हैं जो कि हम उसको कम उसमें ही उसको अगर हम खत्म कर दें या उसके उपचार ढूंढ लें तो वो चीज़ आगे बढ़ ही ना पाए, बात छोटी सी रहती है लेकिन बढ़कर बहुत बड़ी बन जाती है और रिश्ते उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी होता होगा कि ये बात तो सही है कि लोगों का जो रुझान है वो बहुत बड़ा होगा लेकिन हिप्नोथेरेपी के ऊपर और मनोरोगों की जो चिकित्सा होती है उस पद्धतियों के ऊपर, तो एक कोई छोटा सा बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में जो है मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहे कि किस तरह से वो अपने आप को बैलेंस रख सके बहुत संक्षेप में, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। रोज अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें और कहें अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, 3-4 लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करें और फिर अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें और उसमें कहें कि मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, सुरक्षित हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई शोक नहीं। जी, तो डॉक्टर नंदा आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बी पॉजिटिव होने का एक मंत्रा हमको आपने सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों आज हमने जाना कि किस तरह से सम्मोहन यानी कि हिप्नोथेरेपी से जो है मनोरोगों का इलाज संभव है और कैसी एक छोटा सा लाइन है कि लिव एंड लेट गो, जो बीत गई सो बात गई, जो आज है उसे ध्यान के में रखो और फ्यूचर के बारे में सोचो, इसलिए आप भी जो बीत गई उसे भूल जाइए, उनसे लेसन्स लीजिए, सीख लीजिए और आगे बढ़िए। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।